पिछले एक घंटे में बहुत जिस तरीके से बातों को समझाया भी गया है, आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सुनी भी गई है और उनका समाधान भी हम लोग करेंगे। लगभग बहुत सारी चीजें आप लोगों को तो उनका भी एक बढ़िया बोले कि आइए सर, माहौल बन जाए, है ना, आपके साथ फोटो खिंचाने का मन कर रहा है, तो कम से कम पहचान जरूरी है। हाँ बोला, उनका नाम श्री विश्वजीत कुमार सक्सेना। श्रावणी मेला के अवसर पर आज पुलिस पदाधिकारियों का और जो पुलिस बल है उन्हों की ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी और बल हैं जो दूसरे ज़िले से आए थे, उनके लिए ब्रीफिंग और अनिवार्य भी थी। इस पूरे 2 माह के चलने वाले पर्व के अवसर पर हम लोग लगभग 1100 पुलिस जवान लगा रहे हैं और लगभग 400 पुलिस पदाधिकारी, इसके अलावा कई सीनियर रैंक के ऑफिसर्स भी हैं जो लगातार 2 माह तक प्रत्येक शनिवार से लेकर सोमवार तक कर्तव्य पर तैनात रहेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी आयाम हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हों या क्राउड मैनेजमेंट के हों या सिक्योरिटी के हों, उसमें हम लोग सत कसत अपना योगदान दें और जो भी यहाँ पे कांवड़िया और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने पाए, ये हम लोगों का प्रयास है। और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को बताया गया है कि उनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हम लोग के कांवड़िया और श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे किस प्रकार अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, अपनी ड्यूटी को सासमय ज्वाइन करना है और ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, और भी अन्य विभिन्न सारी चीज़ें हैं जो एक SOP होती है पुलिसिंग की, उसके बारे में आज इन लोगों को ब्रीफिंग की गई। असामाजिक बाइकर्स गैंग के लिए उनके लिए तो पुलिस बल की तैनाती है, और इसके अलावा हम लोगों का जो CCTV कंट्रोल रूम है जिसमें लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में 800 कैमरे लगे हुए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कैमरे भी हैं, लगभग 1000 कैमरे से पूरा टाउन एरिया कवरेज है, उससे भी हम लोग निगाह रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो QRT टीम है और जो बाइक दस्ता है वो भी ऐसे लोगों पर निगाह रखेगी, और सादा लिबास में भी कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की। रेल अलर्ट सिग्नल जो लगे, यहाँ पर दूसरे ज़िले से अभी तक 400 जवान आ चुके हैं, 100 पदाधिकारी आ चुके हैं और कुछ अभी शाम तक आएंगे। कुल कितने जवान लगाए गए हैं? कुल 1100 जवान लगाए गए हैं और 400 पदाधिकारी लगाए गए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ गृह रक्षक हैं और चौकीदार हैं, तो सब मिला के हम लोग 1700 लोगों की प्रतिनिधि इसमें कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में घटनाएँ होती उसको लेकर इस बार क्या? नहीं, पुराने अनुभवों को भी हम लोगों ने अपने निगाह में रखा है और इस संबंध में जो भी एडवांस में कार्रवाई हो सकती है वो होमवर्क किया गया है पुलिस के द्वारा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं आएगी।